जहाज होता है दिल्ली आना रहता है, बगैर बुलाए अपने जहाज को लाहौर में उतार देते हैं। क्यों? उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ को जन्मदिन का मुबारकबाद देने के लिए। 56 इंच का सीना रखने वाले मोदी ये कहा करते थे कि पाकिस्तान में एक सिपाही का सर अगर काटेगा तो हम 10 सिपाहियों का सर काट के लाएंगे। ए मोदी, हमें पाकिस्तानी कहने वालों, तुम बगैर बुलाए उस देश के वजीर आजम का मुबारकबाद देने के लिए जाते हो जिस देश का सिपाही हमारे सिपाहियों का सर काट के ले जाता है और वहां बिरयानी खाते हो। तुम पाकिस्तान के एजेंट हो, तुम पाकिस्तान के दलाल हो, हमारा उससे कुछ लेना देना। शायर कहता है अभी के जो माहौल है, शायर कहता है कि लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, यह ऐसी खबर है जिसे सुन के यजिल बैठ जाएगा। और मुसलमानों तबारुक की तरह अगर वोट बांटोगे तो फिर दिल्ली की उस गद्दी पर काफिल बैठ जाएगा। लहर के खौफ से मासूम साहिल बैठ जाएगा, ये ऐसी खबर है जिसे सुन के ये दिल बैठ जाएगा। और मुसलमानों तबारुक की तरह अगर वोट बांटोगे तो दिल्ली के उस गद्दी पे कातिल बैठ जाएगा। कातिल को हराना है। स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, अपना जमीन इतना गंदा है कि चले स्वच्छ भारत अभियान चला रहे। मैं आपसे एक गुजारिश करके जाना चाहता हूँ, वक्त कम है, इशा का वक्त हो जाएगा, दो मुकद्दर है। मैं ये कह के जाना चाहता हूँ कि है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, है अंधेरा बहुत, सूरज निकलना चाहिए, चाहे जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। और जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, ऐसे जो रोज चेहरे बदलते हैं नकाबों की तरह, ऐसे जानवरों को धूम से जनाजा निकलना चाहिए। 23 मई को जनाजा निकलना है। आपसे मैं यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं, 23 मई को फाइनल जज, हमारे यहां पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, तो आपसे यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं, ये लोग हमें आपस में लड़ाने की कोशिश करते हैं, सोहराब अली के बगल में तापोस पन्ना जी बैठे हैं, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। आज एक शेर और कहना चाहता हूं, हमारी जो भाईचारगी और प्यार है इसके ऊपर, कि चाक है जिगर फिर भी, चाक है जिगर फिर भी, आए हैं रफू करके जाएंगे हकीकत से तुमको रूबरू करके, और प्यार की बड़ी इससे और मिसाल क्या होगी, हम नमाज पढ़ते हैं गंगा में वजू करके, यही हिंदुस्तान है, यही हिंदुस्तान है। अब तो ये लोग ऐसा पागल हो गए ना कि इंसान तो इंसान, हिंदू और मुसलमान, अब भगवान को भी नहीं छोड़ रहे। जोगी जी ने कहा था हनुमान जी दलित है, हनुमान जी दलित, जोगी ने कहा था। मैं कहना चाहता हूं, हिंदी का शायर कहता है कि भक्त गणों को डाल दिया है नेताओं ने शंका में, 2019 कैसे जीतेंगे इस आशंका में, अब पवन पुत्र को दलित बताकर अपमान किया है जोगी ने, हनुमान जी आग लगाएंगे बीजेपी की लंका में। क्या ये देश चल रहा है, क्या देश चल रहा है? हमें बांटने वालों, राम का नाम लेकर के वोट मांगने वालों, मैं उनसे कहना चाहता हूं, राम तुम्हारा है क्या? मैं एक मुसलमान परिवार का बच्चा हूं, मैं कहना चाहता हूं, अल्लामा इकबाल ने एक गजल लिखी है राम के ऊपर, इमामुल हिंद का खिताब दिया उन्हें, ये राम के नाम पर वोट मांगते हैं, राम तुम्हारा है, मैं मुसलमान हूं, मैं फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सफाकत का सखावत का नाम राम, हिंदुस्तान की तारीख का नाम राम, राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, पाकिस्तान के इमरान खान का या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप का नहीं, राम हिंदुस्तान के 130 करोड़ का राम है। राम को तुम कैसे मानते हो? मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम मानते हैं, तुम नाथू राम गोडसे को मानते हो, ये फर्क है तुम्हारे और हमारे। इसलिए भाइयों, आज ममता बनर्जी आई थी, उन्होंने जो पैगाम दिया है वो तापस आपको देंगे। मैं यही गुजारिश करके जाना चाहता हूं कि 29 तारीख की सुबह सुबह, अब फूल कमल फूल कहां खिलेगा, कीचड़ में, आपके इलाके में कोई कीचड़ है? सौरभ भाई, नरगिस, तापस बनर्जी ने काम किया, कहीं है कीचड़ है?
तो कहां खिलेगा? फूल खिलेगा खुशहाली का जोड़ा फूल, फूल खिलेगा तरक्की का जोड़ा फूल, फूल खिलेगा नौजवानों के रोजगार का जोड़ा फूल, फूल खिलेगा माँ बहनों की मान सम्मान और इज्जत का जोड़ा फूल, फूल खिलेगा हिंदुस्तान के खुशहाली का जोड़ा फूल। और मैं कहना चाहता हूँ कि 23 मई 2019 को कलकत्ता से एक ट्रेन चलेगी, ट्रेन का नंबर होगा 42/42 और ट्रेन का नाम रहेगा तरक्की एक्सप्रेस। और उसमें बैठ के ममता बनर्जी हवाई चप्पल पहन के पार्लियामेंट के अंदर जब वजीर आजम का हलफ लेगी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद महात्मा गांधी की रूह वहां से आवाज देगी कि हाँ मैंने इसी दिन के लिए देश को आजाद करवाया था अंग्रेजों से, कि हवाई चप्पल पहन करके वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे, दस्तक का सूट पहन के मोदी की तरह कुर्सी पर नहीं बैठे। भाइयों 4 नंबर बटन दबाना है, इतना दबाना है, इतना दबाना है, इतना दबाना है कि फिर बीजेपी कांग्रेस सीपीएम ये सब सोचने पे मजबूर हो जाए कि आसनसोल में अपना उम्मीदवार खड़ा करें कि नहीं। और इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग, इंशाल्लाह जीतेंगे हम लोग। अल्लाह पे पूरा एतमाद है और पूरा भरोसा है कि अल्लाह हमें इस दफा इस जालिम से नजात जरूर देगा। और जो भाई यहाँ बैठे हैं, हम लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, इस दफा हमें दुआ करनी है 29 तारीख को फजर की नमाज में दुआ करनी है कि अल्लाह जालिम को मिटा दे, जालिम नरेंद्र मोदी से हिंदुस्तान की जमीन को पाक कर दे, हिंदुस्तान में इन आवारा कुत्तों का चलन जो चल रहा है इसको नेस्त नाबूद कर दे और हिंदुस्तान की हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत कर और हिंदुस्तान को सलामत रख। और मेरी ममता बनर्जी को सलामत रख।